फिर भी इतने बिल की तसल्ली के लिए ना एक बार और दोहराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये शादी अपनी मर्जी से नहीं, अपने पापा की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अरे शादी शादी नहीं, एक समझौता है जो कि सर कुछ महीनों का ही है, इसलिए जितनी जल्दी ये शादी खत्म हो जाए उतना बेहतर, क्योंकि ना मैं तुम्हें चाहता ना तुम मुझे चाहते। अब मैं चाहता था ना चाहता हूं ना कभी प्यार कर पाऊंगा, क्योंकि अपने हिस्से का प्यार मैं सुप्रिया से कर चुका हूं और करता रहूंगा। जानता हूं बहुत गलत था तुम्हारे साथ, तो माफ कर देना। माफ नहीं तो कोस लेना, पर दिल से हाँ, क्योंकि दिल से की हुई चीज ही लगती है। मैं तो अपनी बात ही करता रह गया, तुम बताओ। जीविका, जीविका कुछ बोल क्यों नहीं रही तुम? वैसे तो शादी की सभी रस्मों का अपना महत्व होता है, फिर भी कन्यादान की रस्मों को सबसे अहम माना जाता है और इसीलिए इसे महादान भी कहा जाता है। और क्यों न कहा जाए, लक्ष्मी स्वरूप बेटी का हाथ विष्णु स्वरूप वर के हाथ में सौंपने से बड़ा और कोई पुण्य भी तो नहीं। अग्नि को साक्षी मानकर की हुई रस्म को निभाने के बाद वधु की हर एक जिम्मेवारी वर की होती है। कन्यादान का रस्म शुरू किया जाए। थम्बा पंडित जी, पंडित जी मुझे सात्विक से कुछ जरूरी बात करनी है। इस विधि के अनुसार आज मुझे आपको अपनी सबसे बड़ी अमानत सौंपनी है। पता नहीं, मन नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी जीवी मेरी सिर्फ बेटी ही नहीं, जान भी है। और सब कुछ पता होते हुए भी अपनी जान देना आसान नहीं होता। चाहे ये मेरे लिए आसान ना हो, लेकिन एक पिता होने के नाते अपने बेटी की खुशियों के लिए मुझे ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। बेटा, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। चाहे तुम्हारा अतीत जो भी रहा हो, भविष्य मेरी बेटी ही होनी चाहिए। पंडित जी, अभी आप विधि शुरू कर सकते हैं। बनना बिगड़ना, मिलना बिछड़ना पहले ही तय हो चुका, किस हाथ में हो किसकी हथेली कोई नहीं जानता। अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी, अग्नि साक्षी। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं आपको अपना जीवन साथी चुनती हूँ और अगले 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करती हूँ। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैंने तुमसे शादी भले ही कर ली हो, पर सुप्रिया से किए मेरे 7 जन्मों के वादे मुझे तुम्हारे साथ 7 मिनट भी पता नहीं कैसे रहने देंगे।
आज सावित्री की ताई होती तो ये सब देख के कितनी खुश होती थी ना। तो उसकी खुशी देख के मेरी खुशी दुगनी हो जाती थी। और बाकी बची रस्मों की चिंता भी नहीं रहती। बाकी बची रस्में? अभी और रस्में बाकी है। लो, इस घर के लोगों को रस्मों और रिवाज का रात तक नहीं पता है। अरे अभी तो सुनमुख भागने की रस्म बाकी है। बाबी ये कौन सी रस्म है? पता नहीं। सुनमुख भागने जिसमें सास अपनी बहू को बेटी की तरह रखती है और आईने में उसका चेहरा देखती, कंघी से उसके बाल सवारती है। अरे वाह, इसे इस घर आए एक दिन नहीं हुआ है, वो सब कुछ जानती है। और जो बरसों से यहाँ महाज्ञानी बन के बैठी है उसे तो कुछ भी नहीं पता। चलो अच्छा है, इस घर में एक बहू तो अच्छी आई।